इन दिनों ट्रेन में मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन किसी न किसी ट्रेन से मारपीट की खबरें आ रही हैं। लेकिन सुरक्षा का दावा करने वाली रेलवे पुलिस अक्सर खामोशी रहती है। चलती ट्रेन में मारपीट का ताजा मामला पद्मावत एक्सप्रेस का है, जहां आरोप है कि पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में सफर कर रहे पीतल कारोबारी के साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि जबरन उनकी दाढ़ी तक खींची गई और धार्मिक नारे लगवाए गए। कटघर के पीरजादा के रहने वाले आसिम हुसैन का आरोप है कि गुरुवार रात वो दिल्ली से मुरादाबाद के लिए ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी कि कुछ लोग बोगी में घुसाए। उन्होंने आरोपी को खेल लिया और धक्का मुक्की कर कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज करने लगे, मारपीट की। इतना ही नहीं, मुरादाबाद आउटर पर उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद शुक्रवार देर रात कारोबारी परिजनों और परिचितों के साथ जीआरपी थाने पहुंचे और तहरीर दी। सीओ जीआरपी देवी दयाल ने कहा कि पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये दो लड़के जो है जो पीट रहे थे उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इसलिए तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। बता दें कि ट्रेन में कारोबारी के साथ हुई मारपीट का कुछ यात्रियों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। इसके बाद वीडियो को ट्वीट कर दिया गया था। ट्वीट में जीआरपी को टैग किया गया था। वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस हरकत में आई और जीआरपी ने बरेली में दो आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम सतीश कुमार और सूरज बताया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आरोपियों को इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, जबकि रेलवे हमेशा दावा करती है कि आपकी यात्रा सुरक्षित होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।